अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता कल की एक रिपोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएं। देवबंद से रिजवान सलमानी की रिपोर्ट। जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी ने हरिद्वार पहुँच कर महामंडलेश्वर कैलाश चंद निरंजनी अखाड़े के आचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी का निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश चंद ने उन्हें शाल उठाकर और सर पर उत्तराखंड की टोपी पहनाकर इस्तकबाल किया और मौलाना अरशद मदनी को उन्होंने गंगा गाथा किताब भी पेश की। वहीं मौलाना ने भी महामंडलेश्वर को हिंदी तर्जमे का कुरान शरीफ पेश किया। इस मौके पर हज़रत मौलाना मदनी ने कहा है कि ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराने से किसी भी मजहब के लोगों का भला नहीं हो सकता। मुलाकात के बाद महामंडलेश्वर कैलाश चंद ने कहा है कि मजहबी मामलात पर मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल हुआ और ये बातचीत मुल्क के मफाद में हुई है। उन्होंने कहा है कि इस दौरान दहशतगर्दी गंगा जमनी तहजीब को लेकर भी गुफ्तोशुनीद हुई है। हम हर सूरत हर हाल में एक साथ खड़े हैं और हम एक हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी इस मुलाकात का पैगाम पूरी दुनिया में जाएगा। इस मौके पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि हिंदुस्तान में किसी भी देहात में चले जाएं, वहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलेंगे जो ज़माने से एक साथ रहते आ रहे हैं। उन्हें ये भी मालूम नहीं कि वो कितने सालों से वहाँ पर प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि इसका ये मतलब है कि हिंदू और मुसलमान का खून एक है, उनकी बिरादरियाँ एक हैं, उनकी ज़बान एक है, उनकी शक्ल व सूरत भी एक है और उनका रहन सहन भी एक ही तरीक़े का है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि दुनिया में फ़िरका परस्त पार्टियों और हुकूमतों ने भेदभाव पैदा कर रखा है। मैं समझता हूँ कि जिस भी आदमी को अपने मजहब से थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है, उसे इस नफ़रत की हिमायत नहीं करनी चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा है कि मैंने ये बात आरएसएस के रहनुमा मोहन भागवत से भी कही थी। उन्होंने कहा है कि फ़िरका परस्त पार्टियां आग लगाना चाहती हैं, लेकिन हम मजहबी लोग हैं, मजहब को मानने वाले हैं। अगर हमारी आवाज़ें इसके ख़िलाफ़ उठेंगी, प्यार और मोहब्बत की उठेंगी और इंसान की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करने के लिए आवाज़ उठेगी, मैं ये नहीं समझता हूँ कि वो बेअसर या बेकार हो जाएगी। मौलाना मदनी ने कहा है कि ज़बरदस्ती मजहब तब्दील कराना गलत है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। हालाँकि अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी मजहब को इख्तियार कर सकता है, ज़बरदस्ती कराए गए मजहब तब्दील का कोई एतबार नहीं है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अगर दोनों मजहबी पेशवाओं की आवाज़ एक साथ उठेगी तो मुल्क में अमन व अमान कायम होगा। वाज़ेह हो कि जमीयत उलमाए हिंद के कौमी सदर हज़रत मौलाना अरशद मदनी ने गुज़िश्ता कल हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर में पहुँच कर महामंडलेश्वर से मुलाकात की। नाज़रीन, आप हज़रात की इस खबर और इस मुलाकात से मुतालिक क्या राय है, आप हज़रात तबसरा खाने में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।